फाइनली 10 घंटा चल के आने के बाद केदारनाथ अभी पहुंचने वाले हैं। केदारनाथ देख सकते हो आप नजारा। तो यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के चढ़ाई के बाद यहाँ पे बारिश होना चालू हो जाता है। अनामी कहती है शॉर्टकट मारी से नहीं फरे दी आई बोला के आइए से तार पर। बहुत ठंड लग रही है दोस्तों, अभी देख हाथ हाथ बहुत ठंड लग रही है। पर्वत का मतलब पहाड़ आ रहे पास आ रहे हम लोग, क्या निकल रहे मुझे पता ही नहीं चला। ठंड में अभी पहुँचने वाले हम लोग का बस ले तो मेरा नींद ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे अभी। मैंने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया, कपड़ा पहन लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी देखती थी ऊपर पहुँचने वाला है तो ठंड ज़्यादा लग रही थी। भैया को मिल गया दिन और दिन के साथ हमने कपड़ा भेजा था तो मुझे कपड़ा ले लिया, रेनकोट ले लिया। अभी तो चलना है बस, अभी तो ठंड नहीं लग रही है, कम लग गया, पहले से बेहतर हो गया। अभी तो चलिए अभी बर्फ के पास, इतना सारा बर्फ और ऊपर जाना है, सारा थकान दूर हो गया। बर्फ देखिए यार मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा हवा आ रही है। तो अनामी का हालत खराब हो गई से, इसका हालत एकदम खराब हो गया क्योंकि अभी और 6 किलोमीटर बाकी है ऊपर, देख सकते हैं बहुत बहुत ऊपर जाना है, ग्लेशियर के पास पहुंच गए। इसका हालत खराब होगा, अभी पता नहीं क्या होगा। घोड़ा ले लिया अनामी का, नहीं चाहिए घोड़ा क्यों, पहुंच पाओगे ऐसे घर में दम है। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर मत बैठो, अगर बैठ गए तो फिर बैठ ही जाओगे। फिर क्यों क्यों अभी और 6 किलोमीटर बाकी है बाबू। हालत कैसा है भाई? बहुत ही ज्यादा खराब, कुछ चल ही नहीं पा रहे। देखो ना कैसे चल रहा है, मुझे कुछ चल जाएगा। घोड़े घोड़े वाले को कुछ बोलना चाहते हो? घोड़े के वजह से प्रॉब्लम होता है चलना, मतलब ये लोग ही चला जाते हैं, हम लोग को चलने ही नहीं देते। मेरा पैर भी खत्म हो गया, चलने का हालत में नहीं है दोस्तों, मरने की कदार पे हूँ मैं। बस केदारनाथ देख ली एक बार, और 3 किलोमीटर है चलो। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना बर्फ गिर रहा है अभी, देखो ना स्नोफॉल पूरा छोटा 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 पूरा हीरे के जैसे गिर रहा है। अब तो इतना दूर जा रहे हैं हम लोगों को, देखो भोले का नाम लेते रहो और पैर बढ़ाते रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के चढ़ाई के बाद यहाँ पे बारिश होना चालू हो जाता है, तो इसीलिए रेनकोट लेते हुए आए, नहीं तो हालत ख़राब होने वाला है। यहाँ पे मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है, वो भी महंगा, एक जैसे 100 का चीज़ 200 का चीज़ 400 500 ऐसे के, मतलब बहुत ऊंचा प्राइस है। तो बजट बना के आइएगा नहीं तो यहाँ हालत ख़राब होने वाला है। हम लोग
अभी बहुत दूर उठे हैं, अभी ऊपर पहुंच गए थोड़ा सा और बर्फ के पूरा पास पहुंच गए। देख सकते हो ऊपर से भी रास्ता है, हम ऊपर जा रहे हैं। इधर से उधर जाना पड़ेगा अभी, फिर और हमें शायद 2-3 किलोमीटर पहुँच जाएंगे बाबा के दरबार। चलिए चलते, बहुत थक गई हूँ मैं, वैसे चला नहीं पा रहे, फिर भी चल रही हुआ। चले अनामिका इतना शॉर्टकट मारी से फल लगे आइए से तार पर तो मैंने शॉर्टकट मारी से क्योंकि बहुत बहुत मानी बहुत बहुत कष्ट मैंने रास्ता देखने में बहुत इजी लगता है, हमने जब वीडियो में देखा था क्या ही है, चले जाएंगे खुद आके पता चल रहा है, इतना अभी तो पहुंचा ही नहीं, इजी नहीं है केदारनाथ आना। सकते हम लोग बहुत ही आगे आ गया और इधर से घोड़ा आगे नहीं जा सकते, इधर ही घोड़ा का पॉइंट लास्ट पॉइंट और यहाँ से 2 किलोमीटर आपको अगर आप घोड़ा पे आए तो पैदल जाना पड़ेगा। अगर घोड़ा में भी उठेंगे तब भी आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा लास्ट यहाँ तक घोड़ा। देख सकते हो कितना सारा घोड़ा, ये घोड़ा का पूरा लास्ट पॉइंट। यार इन घोड़ा को भी सैल्यूट दे रहे, इतना कष्ट कर सकता है घोड़े के साथ आदमी भी तो जा रहा है, आदमी भी वही दो घोड़ा का, घोड़ा जिसका है वो और घोड़ा दोनों को ही सैल्यूट है। यात्रियों को लाने पे भी पहुंच गए। अरे यार क्या व्यू आ रहा है रे पीछे से, कमाल का नजारा है। अभी मतलब मेहनत का फल जैसा लग रहा है, मिल गया और केदारनाथ मिल जाएगा तो पापा का दर्शन हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे एक बार मिला था बस 10 मिनट। अभी पहुंचने वाले हैं केदारनाथ, देख सकते हो आप नज़ारा काफी सुंदर है इधर से ही, और उधर पहुंचने भी तो जन्नत मिल जाएगा। और देखो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कितने पास से देखो दोस्तों, हाय जन्नत यार जन्नत देख लो। फाइनली पहुंच गए केदारनाथ के गेट, देखो देखो गेट और 500 मीटर, लेकिन गेट तो पहुंच गया ना, वही सुकून मिल रहा है गेट देख के, इतना दूर आया। देखो ये पर्वत पार कर गए हम लोग, कितने कितने सारे पर्वत पार कर लिए देखो। हर हर महादेव। गेट पाए गोलो, गेट पाए ए नको पारे प्लीज। इसका हालत खराब हो गया अब चलते चलते, और मुझे बोलता है सारे यात्रियों का हालत खराब हो गया। आप कहाँ पे हो? दर्शन करना इतना आसान नहीं है भोलेनाथ बाबा की, तो अभी इतना पैदल चल के आए फिर दर्शन हो तो टिकट या हाथ से प्राप्त करे तो यहाँ पर से टिकट लेना पड़ेगा। अभी ऐसे ही पैर सुन पड़ गया मेरा, अब टिकट लेना पड़ेगा। लाइन देख सकते हो आप लोग, तो फ्रेंड्स उधर से हम लोगों ने देख सकते हो आप टिकट ले लिया, टिकट लेना पड़ता है।